चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ हम सभी एस्कॉर्ट जिनका नाम है जूही, तालियां बजती रहनी चाहिए। फिर से एक और ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में जो आज देश में पहली बार महिला हॉकी चैंपियनशिप का ट्रॉफी अनवीलिंग समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। इकराम साहब आज इस अनवीलिंग कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और साथ साथ में दिलीप तिर्की जी भी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, और बाकी डैश पे जो हैं सभी लोगों को आप सब परिचित हैं, सभी राज्य के पदाधिकारी हैं हमारे, और यहाँ सभागार में कई खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं जो वर्तमान में भी खेल रहे हैं और कुछ पहले भी खेल चुके हैं। और हम लोग की इस राज्य में तो खिलाड़ियों का जो एक बड़ा खजाना है उनमें से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका जोहार करता हूँ, आप सबको जोहार करता हूँ। और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ, अभी भी थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कार्यक्रम जो हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं जो 27 तारीख से 5 नवंबर तक चलेगा जिसमें कई देशों के खिलाड़ी यहाँ आएंगे, ये देश में पहली बार भी हो रहा है और हमारे नज़र में भी पहली बार हो रहा है। और इस कार्यक्रम को सरकारी व्यवस्था की जो सहयोग है वो तो हम उसके लिए हैं ही, साथ में जो इस कड़ी का मुख्य बिंदु है कि इकराम साहब, दिलीप तिर्की जी, उनके पूरे टीम का यहाँ इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित होना। नहीं तो आम तौर पर जो बड़े खेलों का आयोजन होता है उसकी जो तैयारी होती है उससे जो जुड़ी कार्यक्रम होते हैं वो बहुत अलग तरीके का उनका पोस्चरिंग, उसका अलग तरीके की तैयारी, अलग भाव्य और बहुत मतलब कहा जाए कि उसकी अलग ही अंदाज होते हैं। लेकिन जिस सरल तरीके से, जिस आदर भाव के साथ इकराम साहब ने आज एक लंबे सफ़र के लिए निकले और उस सफ़र के बीच से अपना थोड़ा समय निकाल करके हमारे राज्य में आए और इस खेल को और अपना सपोर्ट दिया, इससे मैं जो मेरा उद्देश्य है, मुझे लगता है जिसमें उद्देश्य के साथ इस राज्य में खेल को देखना चाहता हूँ, हमारे उस मनोबल को ताकत मिलती है। और इसके लिए मैं इकराम साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं, कल भी वो हमारे साथ थे और कल का कार्यक्रम होने के बाद आज ही उसी से जुड़ा एक कार्यक्रम होगा, मेरे ध्यान में नहीं था। और इकराम साहब शायद पहली बार झारखंड आ रहे हैं और इकराम साहब को मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड को मूलतः लोग खनिज संपदाओं से बहुत अधिक चर्चित रहा है। पूरे राज्य में हर कोने में, हर गांव में, हर जंगलों में हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के खनिज संपदाएं हैं, कोयला, लोहा, तो एक आम बात आप अपने घर के खलियानों में आप कुदाली चलाओगे या हल चलाओगे तो कोयले बाहर निकल आते हैं, ये स्थिति है। यहाँ यूरेनियम जैसे हमारे पास महत्वपूर्ण खनिज संपदाएं हैं, बहुत सारी ऐसी खनिज संपदाएं हैं जिससे आज देश को एक अलग ताकत भी हम इस राज के द्वारा प्रदान करते हैं। और ये आज से नहीं बल्कि हमारे इस देश के आज़ाद होने के पहले से इन कार्यों में लोग शामिल हैं
जब हमारी सरकार बनी तो उस समय संयोग से कोरोना जैसा एक वैश्विक महामारी हमारे बीच में आया और सभी लोग लगभग 1.5 साल तक घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन हम लोगों ने अपनी सोच में ताले नहीं बंद किए और हम लोगों ने लगातार इस राज्य को किस दिशा में ले जाना है इसका एक हम लोगों ने एक धुंधला सा एक लकीर खींचा। खनिज संपदाओं तो हम के बारे में तो लास्ट 100 ईयर्स पहले से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं लेकिन परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हमें दिखा नहीं। तो हम लोगों ने इससे अलग हटकर जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, आधारभूत संरचनाएं हैं और विशेषकर हमारा खेल और पर्यटन, इस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। और जब हम लोगों ने खिलाड़ियों को तराशने का एक हल्का प्रयास किया तो जो चमक हमें देखने को मिला वो मुझे लगता है ये कोयला, हीरा और यूरेनियम से कहीं ज़्यादा ताकतवर मुझे दिखा। फिर हमने इस पर आगे बढ़ने का काम किया, परिणाम आज आपके सामने, चाहे हॉकी इंडिया की टीम की बात हो, चाहे आर्चरीज में हो, यहाँ तक कि देश के सबसे चर्चित प्रतियोगिता, खेल प्रतिस्पर्धा, अगर हम क्रिकेट को भी देखें तो धोनी भी हमारे ही राज्य से आते हैं। तो हमारी इस बात को हमने देखा कि नहीं, हमारे जो यहाँ के बच्चे, नौजवान, ये हमारे कहीं ना कहीं आज उस खनिज संपदा का एक सब्स्टिट्यूट्स निकल सकते हैं। और खेल की दिशा में कई ऐसे देश हैं जहां हमने ये बात देखी है, जिसके पास संसाधन, खनिज संपदा नहीं है और कोई संसाधन नहीं है, तो कोई गन्ने की खेती के नाम से पूरा देश प्रचलित है, कोई खेल के नाम से पूरा देश अलग पहचान बनाता है, कोई एग्रो बेस्ड कंट्री है। इस तरीके से कई कंपोनेंट पर देश अपना नाम रोशन करती है। तो हमने भी खेल को एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में देखा है और जैसे कि आपने बताया, और इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ कि आने वाला समय में देश में कोई भी टीम तैयार हो तो वो टीम निश्चित रूप से बिना झारखंड का पूरा ना हो, ऐसी तैयारी के साथ हम अपने खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। आपने हमें हौसला दिया और निश्चित रूप से हम लोग बहुत गंभीरता से चीज़ों को कार्य करने में हम लोगों की रुचि रहती है और आपकी इस शुरुआत को निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश एक लंबी दूरी तक लेके चलेगा। और खेल के दिशा में आज हॉकी से शुरू हो रहा है तो निश्चित रूप से आने वाला समय में देश में जितने भी खेल हैं उनके चैंपियनशिप भी इस राज्य में हो, ऐसी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।